हेलो गाइज, आपको वेलकम है ईएई प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन चैनल पर। तो गाइज, आज आपके लिए लेके आया हूं और एक नया प्लान। एंड आज का जो प्लान है वो है 15 फीट बाय 22 फीट का, यानी 330 स्क्वायर फीट के अंदर। एंड ये जो प्लान है आपके सामने, जो देख सकते हो 3D मॉडल, ये 3D मॉडल देख सकते हो, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। एंड ये बिल्डिंग पर 3 रूम है, 3 बेडरूम है एंड अटैच टॉयलेट है, किचन है, डाइनिंग ड्राइंग एवरीथिंग है एंड 6 फीट का स्टैंडर्ड स्टेयर है। 2D प्लान पर क्या क्या है वो हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए जाते हैं 2D प्लान पर। तो गाइस आ गए हैं 2D प्लान पर एंड फर्स्ट देख सकते हो ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर का जो स्टेप है वो स्टेप से जाके मेन गेट है। तो रूम का मेन गेट जो है वहां से एंट्री होके आपके सामने मिलेगा डाइनिंग और ड्राइंग, जिसका साइज है 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 4 इंच, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कई बता देता हूं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह से यह तक की है 9 फीट 9 इंच और यह से यह तक की है 10 फीट 4 इंच, तो हम पूरा पकड़ लिया, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो ये जो स्टेयर है, स्टेयर यहां से उठेगा, ठीक है, और ये ऊपर उठ जाएगा यहां से, तो नीचे में जो है वो खाली रहेगा, ठीक है, पूरा खाली रहेगा नीचे। तो आप यहां पर डाइनिंग टेबल बैठा सकती हो एंड यहां पर ड्राइंग, आप सोफा बैठा सकती हो ड्राइंग पर। एंड नेक्स्ट चल जाते हैं, देख सकते हो किचन है। तो किचन का जो साइज है वो है 4 फीट बाय 7 फीट 4 इंच का साइज है। एंड यहाँ पर एक बेडरूम है, बेडरूम का साइज है 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है, ठीक है, छोटा मोटा करके हम बेडरूम बनाया है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो अटैच टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट। तो अटैच टॉयलेट जो है वो है 4 फीट बाय 7 फीट का अटैच टॉयलेट है, ठीक है, 4 फीट बाय 7 फीट का अटैच टॉयलेट है। और यहाँ पर है 3 फीट का स्टेयर, स्टैंडर्ड स्टेयर मैं जो बताया है। यहाँ पर लैंडिंग मिल जाती है 3 फीट का। और गाइस एक छोटा सा चीज देख सकते हो, यहाँ पर सब जगह पे विंडो रखा है, ठीक है, पर रूम के हिसाब से एक एक करके विंडो दिया गया है, दो दो करके, ठीक है। रूम पर 2 विंडो है, क्रॉस विंडो, टॉयलेट पर विंडो है, किचन पर विंडो है, डाइनिंग ड्राइंग पर विंडो है, ठीक है। एंड चल जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। एंड फर्स्ट फ्लोर में आ गए गाइस। एंड फर्स्ट फ्लोर देख सकते हो यहाँ से ऊपर उठ के, यहाँ से ऐसे करके ऊपर उठ के हमको मिल जाते हैं लिविंग रूम, ठीक है। तो हम इस तरफ आपका असलियत बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेयर उठा है फर्स्ट फ्लोर पर, तो लिविंग आपको 4 फीट 9 इंच बाय 9 फीट रहेगा लिविंग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर गैप मिलेगा 4 फीट 10 इंच, यहाँ पर गैप मिलेगा, आपके हिसाब से आप कर सकते हो जो कुछ भी करना चाहते हो। तो और यहाँ पर देख सकते हो एक अटैच आपका यहाँ पर बरामदा रखा है, जिसका साइज है 5 फीट 8 इंच बाय 3 फीट का। एंड यहाँ पर है विंडो, बेडरूम है, सेम साइज का है जो ग्राउंड फ्लोर में थी, 9 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का है। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक डोर रखा है एंड डोर से जाके आपका प्लस मिलेगा बरामदा। एंड बरामदा का जो साइज है वो है 4 फीट बाय 7 फीट का है, ठीक है, 4 फीट बाय 7 फीट बरामदा का साइज है। ये है क्या, बेडरूम के साथों साथ अटैच है, ठीक है, या बरामदा भी बोल सकते हो, बैल्कनी भी बोल सकते हो आपके हिसाब से, बट बड़ा है, 4 फीट 7 इंच मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो अटैच टॉयलेट है, सेम साइज का है जो ग्राउंड फ्लोर में थी। तो यही सेम ही प्लान आप सेकेंड फ्लोर पर देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसलिए अलग से नहीं बना है, ठीक है। तो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, आप चाहो तो इसका G+1 बना सकती हो, हम तो G+2 बनाया है, ठीक है, तो आपकी मर्जी से आप बना सकती हो। तो यहाँ पर है 10 कलम एंड इसका जो कॉस्टिंग आएगा वो है, वो 12 से 13 लाख की अंदर इसका कॉस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, इस बिल्डिंग को करने के लिए 12 से 13 लाख की कॉस्टिंग आ जाएगा। तो ये प्लान आपको अच्छी लगी तो एक जरूर लाइक कर देना एंड आप फ्रेंड लोगों के साथ एंड दोस्त लोगों के साथ आप शेयर करना, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली कई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।